राजकुमारी, हम ठीक हैं। कहाँ रह गई थी आप? हमने महल के आसपास के सारे क्षेत्रों में आपको ढूंढ लिया, लेकिन आप कहीं नहीं मिली। विलम्ब से आप आती और प्राण हमारे सूख जाते, कृपया ऐसा ना किया करें। नक्षत्र, वो आज हम चलते चलते थोड़ा आगे निकल गए बस। राजकुमारी, आपको पता है महाराजा महारानी कब से आपको याद कर रहे हैं भोजन के लिए? कितनी बार तो दासी को भेज चुके हैं आपको बुलाने के लिए। हमने बड़ी मुश्किल से उसे टाला है कि आपकी आंख लग गई है, आप पढ़ाई कर रही हैं। अभी विलंब मत करिए, जल्दी से वस्त्र बदल के उनसे मिलने के लिए जाइए। चलिए। क्या वो दमयंती नहीं आई? संदेश तो भिजवाया था। जी हाँ, आती ही होगी। लो आ गई। आ जाओ बेटी, आ जाओ, बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आ जाओ। चलिए भोजन कीजिए। बेटा, ये पाँव में क्या हुआ? कुछ खास नहीं, वो हमारे कक्ष में दर्पण है ना, वो टूट गया। उसका छोटा सा टुकड़ा हमारे पैर पे लग गया तो। पर आप चिंता मत कीजिए, हमने पट्टी बंधा ली है। हम शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। बेटा सेहत तो ठीक है ना तुम्हारी? थकी थकी सी लग रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ठीक है पिताजी। चलो भोजन शुरू करो। शुरू कीजिए महाराज। पिताजी, हम वो अनाज क्यों नहीं खाते जो आपने हमें भोजनालय में खिलाया था? राजा वाला भोजन? बाजरा? जी बाजरा। अगर हमारी पूरी प्रजा वो खा सकती है तो हम क्यों नहीं? हमें तो ऐसा लगता है कि आपको उस अनाज को राष्ट्रीय अनाज घोषित कर देना चाहिए। हमें इस बात की खुशी है कि तुम्हें बाजरा अचानक इतना पसंद आ गया, लेकिन हम उसे राष्ट्रीय अनाज घोषित नहीं कर सकते बेटे। क्यों? क्योंकि वो सस्ता होता है, हर जगह उगता है, उसका निर्यात भी नहीं होता है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं। अब हमारा राष्ट्रीय अनाज है चावल, जो हमारे राज्य से 44 राज्यों में निर्यात होता है, इसलिए। पिता पुत्री बस भी करेंगे, भोजन के समय भोजन कीजिए। अर्थशास्त्र की कक्षा बाद में कर लेंगे। अच्छा ठीक है बेटी, हमें इस बात की खुशी है कि तुम प्रजा के बारे में इतना सोच रही हो, वो भी केवल एक बार बाहर जाकर। और गुरुजी बता रहे थे कि तुमने अपनी सारी कक्षाएं नियम से लेनी शुरू कर दी हैं। तुम्हारे इस प्रयत्न को देखकर हमें तुम पर गर्व होता है बेटी। खाना खाओ। हमें क्षमा कीजिए पिताजी, हम आपसे ये बात छुपा रहे हैं कि हम भेष बदल कर रोज राज्य में जा रहे हैं, पर हम अपनी योग्यता तभी साबित कर पाएंगे जब सेनापति के कटे हुए सर वाली गुत्थी सुलझा दे, पता तो चले कि ये षड्यंत्र है क्या। आओ प्रिय, कल तुमने जो वफादारी का प्रमाण दिया था ना, उसने मेरा दिल जीत लिया। यूं समझ लो कि नौकरी जो है उसी का इनाम है जगाजग। मैं जानती थी महाराज, आप मुझे निराश नहीं करेंगे।
सबको कतार में खड़ा किया है। जी रूप सेनापति जी। तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। कितनी उम्र है अम्मा? 60 साल। 60? और अभी तक काम कर रही हो? शमशान घाट के महल की पालकी पे जाने का इरादा है? आज से तुम्हारी सेवा का दायित्व समाप्त। बूढ़े लोग जाएंगे नहीं तो नए लोग कैसे आएंगे? नए लोगों को भी नौकरी मिलनी चाहिए ना। जाओ, खत्म, तुम्हारा काम खत्म। आज से इस मूढ़ी दासी की जगह ये प्रिय मुदा आएंगी, ये जाएंगी और ये आएंगी। चलो जाओ छुट्टी। मुझे बुढ़िया बोलकर निकाल रहे हो? मेरी जगह जिसे रख रहे हो ना, ये बड़ी जवान है। जवान तो है, कितनी सुंदर है। अब तुम बुढ़िया हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये देखो कितनी सुंदर है। आंखें 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 देखो, इसमें डूबी जाए आदमी। क्या बात कर, चलो जाओ जाओ जाओ, चलो हो गया। चका चक ये बस, आज से तुम यही काम करोगी। चका चक जाओ जाओ जाओ, काम को समझ लो। मैं तुमको बात, क्या देख रहा होगा? तुम मेरे साथ चलो, जरूरी काम है। राजकुमारी, इन्हीं लाखों नामों में से सावित्री नाम ही क्यों सोचा? हम भी नहीं जानते। वीर ने जब हमसे हमारा नाम पूछा, हमें समझ नहीं आया हम क्या कहें। अचानक ये नाम हमारे होठों पे आ गया। उतरा, हमें लगता है हमारा इस नाम से कोई पिछले जन्म का रिश्ता होगा। राजकुमारी, आप ऐसे इस घाव पे जोर दे के चलती रहेंगी ना, तो फिर हो चुका ये ठीक, लिखवा लो। वीर, ये उतरा, जल्दी से ये सारी औषधियां छुपाओ। तुम यहाँ कैसे? कोई कार्य था? जी राजकुमारी जी, सेनापति जी के घर का पता चल गया। सच? चलो हम अभी। हम स्वयं वहां जाएंगे। तुम हमारे जाने की तैयारी करो, हम शीघ्र ही आते हैं। जी। उतरा, हमारे पैर पे शीघ्र ही पट्टी करो, हमें हमें जल्दी से जाना है। लेकिन राजकुमारी, ये कैसे जाएंगी आप? ये घाव और खराब हो जाएगा। उतरा, हमें इस समय हमारे घाव की चिंता नहीं है, सेनापति के परिवार के बारे में पता लगाना बहुत आवश्यक है। जल्दी करो।